गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे किसी फाइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। खासकर हम लोग जब एमएस वर्ड अब सीखने वाले हैं तो एमएस वर्ड में हम लोग कोई भी फाइल को बनाकर उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उस फाइल को हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि फाइल हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। बिकॉज फाइल में जो है हम लोगों का मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो अगर डॉक्यूमेंट्स हमारा खो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम लोगों को भारी नुकसान हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम अपना फाइल को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, आज हम लोग अब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं कैसे फाइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है, क्योंकि हम लोग जिस फाइल को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं वो एमएस वर्ड में बनाया हुआ फाइल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। देखिए, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग विंडो बटन में क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम लोग को लिख देना है विन वर्ड। सिंपली आपको टाइप करना है WINWORD, विन वर्ड। जैसे आपने विन वर्ड में क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए विन वर्ड का एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब आपको इसमें सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, आपको देखिए यहाँ पर वर्ड का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब आपको देखिए आपका यहाँ कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मार्जिन में जाना है, और जाने के बाद आपको इसको नॉर्मल सेट कर लेना है। जैसे नॉर्मल सेट कर देंगे हम लोग का ये नॉर्मली वर्क होगा, जिस तरह पेज में वर्क होता है। तो ये एक पेज है जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ लिखना है, लिखेंगे और उसको हम लोग सेव करेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पर कुछ बना लेते हैं, कुछ शेप्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो हम शेप्स बना लेते हैं यहाँ पर, एक बॉर्डर क्रिएट कर ली। आप चाहे तो इस पर कलर भी कर सकते हैं। देखिए सिंपल बात है, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टेक्स्ट करके इसमें आप कुछ टाइप कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ पर अपना सेंटर का ही नाम दे देता हूँ, इसको चाहे तो आप नीचे ऊपर जैसे रखना है आप रख सकते हैं। इसका साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, देखिए ये बड़ा हो गया है। सपोज दैट मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है। अब हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, तो ये सेव कैसे होगा तो वही हम लोग देखेंगे, और सेव के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि फाइल को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जाना है फाइल ऑप्शन में, और आपको यहां से लेना है सेव एस ऑप्शन। हम लोग को देखने मिल रहा है यहां पर सेव एस ऑप्शन। तो सेव एस ऑप्शन में जस्ट हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो खुल जाएगा। अब आपको यहां पर नेम टाइप करना है, फाइल का नाम टाइप करना है। सपोज मैं यहां पर फाइल का नाम दे देता हूं सरस्वती .doc, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स फाइल है इसलिए मैंने यहां पर .doc का एक्सटेंशन लगा दिया हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा, प्रोटेक्ट करना है। सेव तो मैंने नाम लिख दिया है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहां पर चल जाएंगे। नीचे देखिए टूल्स ऑप्शन है, इस टूल्स ऑप्शन में जो डाउन एरो आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में जाकर आप इसको क्या कीजिए, पासवर्ड सेट करना है। देखिए जैसे जनरल ऑप्शन में मैंने क्लिक किया यहाँ पर पासवर्ड ओपन हो गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। जैसे मैंने पासवर्ड टू ओपन में आ गए, अब आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है। सपोज मैं यहाँ कुछ पासवर्ड दे देता हूँ। नेक्स्ट आपको जो करना है देन यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ओके करते हैं आपको बोलता है री इंटर पासवर्ड टू ओपन।
आपको फिर से यहाँ पर री इंटर पासवर्ड मीन्स जो जो पासवर्ड आप उस समय दिए थे वही पासवर्ड सेम टू सेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। सपोज मैं यहाँ पर भी वही पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, देन आपको यहाँ पर करना है ओके। जस्ट ओके हो गया, जैसे ओके हो गया अब आपको इस फाइल का नाम जो लिखे थे उसको आपको सिंपली सेव कर देना है। जस्ट हम यहाँ पर सेव में क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सेव में क्लिक करेंगे तो वो अपना पासवर्ड जो हम लोग दिए हैं उसको भी वो सेव कर लेगा। दे सेव कर दिए। अब ये देखिए सरस्वती डॉट डॉक नाम से ये फाइल मेरा सेव हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे कि मेरा फाइल का जो पासवर्ड हम दिए हैं वो मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विंडो बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज बटन में क्लिक करते ही ये स्क्रीन बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ओपन ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे हम लोग ओपन ऑप्शन में क्लिक करेंगे और अपना फाइल का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे खोलने के लिए, देखिए ऑलरेडी आ गया है मेरा फाइल का नाम, यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जस्ट इसको ओपन में क्लिक करना है। जैसे ओपन में क्लिक करेंगे देखिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर गलत पासवर्ड डालता हूँ, एक बार गलत पासवर्ड देके देखता हूँ, देन ओके कर। देखिए द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वट कैन नॉट ओपन दिस डॉक्यूमेंट, हमने इस डॉक्यूमेंट को नहीं खोल सकते क्योंकि हमने पासवर्ड गलत डाला है। तो अब चलिए सही पासवर्ड देके देखते हैं। ओपन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग वही फाइल का नाम टाइप करेंगे जो मैंने फाइल नेम दिया था, देखिए आ गया है। देन हम लोग ओपन में क्लिक करेंगे फिर से। जैसे ओपन में क्लिक किए यहाँ पासवर्ड डालेंगे, अब सही पासवर्ड डालते हैं, देन ओके कर देते हैं, देखिए आ गया। इसी प्रकार से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। कितना आसान है पासवर्ड डालना, इस तरह से आप लोग भी अपने फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में न्यू है तो उस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे जुड़े जितने भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और मुझे भी इस तरह के और वीडियो आप लोग करने में प्रेरणा मिलेंगे। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।